आपके अपने YouTube चैनल जैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है आर्किटेक्चर एज पावर फोर्स एंड जो स्क्रेड जो प्लेसेस है, सो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि जो साउथ इंडियन जो टेम्पल्स है वो कौन से स्टाइल में बिल्ड किए गए, तो वो किया गया है आपका ड्रविडियन स्टाइल्स में। देन जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वो किन के द्वारा बिल्ड किया गया है, तो वो जो है चंडेला जो किंग्स है उनके द्वारा बिल्ड किया गया है। देन हम कैलाशनाथ टेम्पल्स की बात करते हैं तो कैलाशनाथ जो टेम्पल्स है वो एलोरा में जो रॉक कट टेम्पल्स के एग्जांपल है। साथ ही साथ आपको कैलाशनाथ जो टेम्पल्स है कांचीपुरम में भी देखने को मिलेगा, वो आपका जो स्ट्रक्चर जो टेम्पल्स है उसका एग्जाम्पल है। इसकी हम बात करें तो फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिले जो विठला जो टेम्पल्स है वो प्रोमिनेंट जो टेम्पल्स जो विजयनगरा जो किंग है उनके द्वारा बिल्ड किया गया है। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो सेवन जो हिस्टोरिकल जो सिटीज है दिल्ली में शाहजहानाबाद है उसको ये जो सिटीज है उसको मुगल्स के द्वारा बिल्ड किया गया। इससे पहले जितने भी जो सिख जो सिटीज हुए वो सभी आपके जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। देन सिक्स जो क्वेश्चन है मोती मस्जिद एट आगरा वाज बिल्ड बाय शाहजहां। मोती मस्जिद है इसी यही जो मोती मस्जिद के नाम से आपको दिल्ली में भी मिलेगा जिसे औरंगजेब ने बिल्ड किया था, तो बेटा इस पे कंफ्यूज ना होइए। देन नेक्स्ट जो आपको मिलता है वो है आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स वाले फर्स्ट जो क्वेश्चंस की बात करें तो बृद्धेश्वरा टेम्पल ए तंजौर वाज बिल्ड बाय राजेंद्र चोला, ये आपका फॉल्स है। जो बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स है उसको राजा राजा चोला है उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। देन सेकंड जो कॉलीग्राफीज की बात करते हैं सो आर्ट्स ऑफ ऑर्नमेंट ब्यूटीफुल राइटिंग्स है, ये आपका ट्रू। देन थर्ड जो क्वेश्चन है वो द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ये ट्रू है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड तुगलकाबाद, ये आपका फॉल्स है। उसको किसको गयासुद्दीन जो तुगलक है उनके द्वारा बिल्ड किया गया था, किसको आपका तुगलकाबाद को। देन फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आर्किटेक्चर ऑफ बहामनी किंग्स एंड टुर्किश इन्फ्लुएंस ये आपका कौन सा इन्फ्लुएंस था, पर्सियन इन्फ्लुएंस था इनके द्वारा बहामनी जो किंग। देन सिक्स जो क्वेश्चन की हम बात करें तो मोती मस्जिद है ये आपका जैसे अभी जो ट्रू एंड फॉल्स का आपका औरंगजेब के बारे में है तो ये ट्रू हो जाएगा। मोती मस्जिद जो है आपका आगरा में जो बिल्ड किया गया था जिसको आपने जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में देखे, तो ये आपके जो फॉल्स वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट जो आपको मिलता है बेटा आपका आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सिख राज बिल्ट इन नागरा स्टाइल, सो इसका आंसर आपका स्क्वायर जो गर्भगृह था अमलका और जो कलसा उसके टॉप में थे जो आपके डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स है नागरा स्टाइल में हमें देखने को मिलता है। देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की बात किया जाए तो वे डबल अमल का थे, वन लार्ज और एक अदर अनदर जो स्मॉल जो होते थे उसके प्लेस ओवर, देन द कलसा इज द प्लेस ऑफ द स्मॉलर अमल का। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल इसमें खजुराहो का जो टेम्पल्स है उसको हम एग्जाम्पल उसका दे सकते हैं, तो ये आपका जो सेकंड के आंसर। देन थर्ड की हम बात करें तो लिस्ट द सेवन हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ दिल्ली, सेवन हिस्टोरिकल जो सिटीज है उसका आपको नेम नोट डाउन करना है, तो लाल कोट सीरी तुगलकाबाद आपका जहां पनाह आपका फिरोज शाह कोटला या फिर जिसे फिरोजाबाद भी कहा जाता था पुराना किला, और जो लास्ट में जो शाहजहानाबाद जिसे मुगल्स के द्वारा बिल्ड किया गया था, तो ये आपके जो सेवन हिस्टोरिकल सिटीज। नेक्स्ट की हम बात करें बेटा आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि नेम एनी फोर डिस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको अर्चेज है, मीनार्स थे, डोम्स थे और ये आपके कॉलीग्राफी, ये जो फोर दो फीचर्स डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स एलिमेंट्स है वो हमें नजर आता है कि इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में। देन नेक्स्ट हम बात करें बेटा आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस दैट आर फाउंड इन द टर्म ऑफ इल्तुतमिश। सो यहाँ पर लोटस और जो व्हील है वो इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड है, और जो इंटीग्रेटेड जो जियोमेट्रिक जो पैटर्न है और कॉलीग्राफी है इस्लामिक जो नेचर से। बेटा जनरली कुछ जो स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग, उस क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत लॉन्ग है, सो बेटा आपको इसमें याद रखना है कि लोटस और जो व्हील है उसको बस याद रखना है ना, आपका इंडियन ट्रेडिशन हो गया है तो ऑलरेडी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देन आपका इस्लामिक जो ट्रेडिशन में आपको क्या रखना है, जियोमेट्रिक जो पैटर्न है और कॉलीग्राफी, तो ये आंसर आपको ऑलरेडी आपको क्या हो जाएगा,
शॉर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलता है, सिक्स जो क्वेश्चन साइलेंट फीचर ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट्स के बारे में आपको कुछ जो पॉइंट्स में यहाँ पर नोट डाउन करवाया गया हूँ, इससे अदर पॉइंट्स भी आप रेड फोर्ट्स के बारे में आप सुने हैं जाने, तो उससे रिलेटेड आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो पोटरीज है, एक किले के रूप में है हमारा कौन सा, दिल्ली फोर्ट्स। देन यहाँ पर जो थ्री जो डिफरेंट जो आपके जो पैलेसेज है, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास और जो रंग महल है वो दिखाई देता है। तो आपको ये याद क्या रखना है, दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल, और जो फोर्ट्रेस ये पॉइंट उससे याद रखना है। देन दीवाने खास है जो ब्यूटीफुल जो मार्बल से बने, मार्बल आपको याद रखना है, मार्बल सीन, गोल्डन डेकोरेशन है वो आपको याद रखना है। देन रंग महल की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो इसकी जो कलाकारी है उसको आपको याद रखना है। तो ये जो आपका जो सिक्स का आंसर हुआ। सेवन क्वेश्चन की बात करें बेटा, सेवन जो क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई वाज आर्किटेक्चर यूज एज ए स्टेटमेंट ऑफ पावर बाय रूलर्स ऑफ मेडिवियल इंडिया। तो डिटेल में आंसर है, तो बेसिकली वो क्या करते थे, जो मोनोमेंट, जो पैलेंट, जो फोर्ट्स, टॉम्स ये बिल्ड किए गए। सो प्रॉबली जो रूलर्स क्या करते, बिगर और ग्रैंडर जो बिल्डिंग्स बनाते थे, तो वो अपने आप को ज़्यादा रिचर और मोर पावरफुल दिखा सकते थे। देन दे मे हैव, वो ये सोचते रहेंगे कि जो वो जब क्या होंगे कि जो लिव बिहाइंड सम इंड्यूरिंग मार्क ऑफ देयर रूल फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन। सो सी एंड वंडर इट मीन्स, जनरली जब वो उनका एज जो है खत्म हो जाएगा, तब उनके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो देखकर उन बड़े बड़े बिल्डिंगों को, महलों को पता चलेगा कि वो कितने क्या थे, रिच थे, कितने उनके जो पावरफुल वो थे। सो ये आंसर के फर्स्ट के क्वेश्चन थे। सेकंड, डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ स्केच बिटवीन द टेम्पल ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया एंड टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसमें आप स्केच जो है ड्राइंग कर सकते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स है वो नोट डाउन करवाया गया है, जैसे द नॉर्दर्न इंडिया नागराज जो स्टाइल को जो टेम्पल्स है उसकी हम बात करें, सो वहाँ पर गर्भगृह था, इनर जो चैम्बर्स के जस्ट ऊपर जहाँ पर आपके आइडियल्स है, गर्भगृह में आपके आइडियल्स वो प्लेस होते थे। शिखरा जो है आपके जो क्राविंग जो टाइम आपका जो टावर हो एलिमेंट्स होता था जो गर्भगृह के ऊपर से होता बिल्ड किया जाता था, अमलका होते थे, जहाँ साथ ही साथ अमलका के ऊपर में आपका जो एक छोटा सा जो कलसा होता था जिसका एग्जाम्पल आप लिंगराज जो टेम्पल्स है उसको आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है, गर्भगृह और वहाँ पर जो उसके सेंट्रल में जो आइडियल है वो प्लेस होते थे, शिखरा होता था जो क्राविंग जो एलिमेंट्स होते हैं, शिखरा के ऊपर में आपका अमलका होता था, देन अमलका के जस्ट ऊपर में आपका जो स्मॉलर डोम्स होते थे, देन इसके एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करने। तो ये फोर और फाइव पॉइंट्स इसमें याद करने हैं। देन आपका जो रिमेंबर आपको करना है जो टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया की बात करें, सो यहाँ पर जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है यहाँ पर क्या था, डबल अमलका। अमलका में आपको क्या लगा देना है, डबल। तो ये डबल अमलका जो क्या होता था, एक के ऊपर जो अनदर स्मॉल जो है एक बड़ा होता था, उसके ऊपर में जो स्मॉल वाला होता था। इसका एग्जाम्पल आपको क्या देना है, खजुराहो। यहाँ पर शिखरा होता था, बट जो डिफरेंसेस है आपको सिंगल अमलका और डबल अमलका में ही बस देखने को मिलता है, बाकी सभी जो है सेम है। देन क्वेश्चंस की बात करें बेटा, थर्ड जो क्वेश्चंस है आपको क्या मिलता है, तो व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ द साउथ इंडियन ड्रविडियन टेम्पल्स। यूनिक फीचर्स की बात किया जाए तो सो ड्रविडियन स्टाइल्स जो है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर जो विमाना जो था, जो पिरामिडिकल जो टावर जो बिल्ड किए जाते थे, तो उसको आपको यार नोट डाउन याद रखना है, जो जस्ट ऊपर में किसके गर्भगृह के ऊपर में बिल्ट होता था। देन गेटवेज में आपका गोपुरामा जो टॉप्ड बाय द कलसा के जस्ट ऊपर में आपको गोपुरामा जो मिलता है, सो उसको आपको नोट डाउन करने। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो इंट्रेंस टू आर फोर जो इंट्रेंस होते थे, जो ईच जो कॉर्डिनल जो डायरेक्शन है वहाँ पर, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। और जनरली ये जो पल्लवाज है वो जो न्यू स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर लाए थे, जिसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है, और जो मोनोलिथिक जो टेम्पल्स है द रथास एट ममलापुरम, ये जो है एग्जाम्पल है किसका, मोनोलिथिक टेम्पल्स का। तो ये आपका जो साउथ इंडियन या फिर ड्रविडियन टेम्पल्स है उसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट जो मोनोमेंट जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा बिल्ड किए गए हैं। सो यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके द्वारा बिल्ड किया गया था, कुवैत अल इस्लाम जो मॉस्क्यू दिल्ली में, अधायदीन का झोपड़ा जो आपका अजमेर में था, कुतुब मीनार है वो स्टार्ट करवाया था, बाद में उसको किसने कम्प्लीट करवाया, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी के द्वारा कुवैत अल इस्लाम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट बहुत सारे और उसके एडिशंस बनाए उसी से रिलेटेड। देन वेस्ट ऑफ मॉस्क्यू है आपके इल्तुतमिश जो आपका किसका अला कुतुबुद्दीन ऐबक उसके जो वेस्ट में उनके द्वारा खुद का मॉस्क्यूज है वो आपका जो इल्तुतमिश के द्वारा टर्म बिल्ड किया गया। देन
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा है वो बिल्ड किया गया, अलाई मीनार और कुतुब मीनार है वो बिल्ड किया गया, गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद है वो बिल्ड किया गया, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहाँ पनाबाद है वो बिल्ड किया गया। तो आपके फोर्थ के आंसर हुए। बेटा एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये जो जितने भी जो वीडियोज हैं एक बार कम से कम उसको प्ले करके जरूर देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो फिफ्थ जो राइट अ समरी ऑन द मोनोमेंट बिल्ड बाय अकबर, अकबर के द्वारा जो मोनोमेंट्स बिल्ड किए गए तो जो फोर्ट्रेस आगरा में वो बिल्ड किया गया, उसकी जगह रेड सैंड स्टोन्स और मार्बल इन वर्क है वो यूज किया गया, सिग्नेचर स्टाइल्स बना आपका रेड सैंड स्टोन किसका, अकबर के समय का, फतेहपुर सिकरी है जो न्यू कैपिटल वो बिल्ड किए, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद वो उनके द्वारा, और इनके जो मेन जो बिल्डिंग जो स्टाइल था वो हिंदू और मुस्लिम स्टाइल दोनों से मिक्सअप था। तो ये आपके फिफ्थ क्या है। सिक्स्थ की हम बात करें बेटा तो सिक्स्थ में आपको मिलता है ताजमहल इज द वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको आपको जस्टिफाई करना है। सो ताजमहल के बारे में आप अपने वन पॉइंट पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है सुनी है। सो ये जो ब्यूटीफुल डेलिकेटेड जो सिमेट्रिकल और एलिगेंट थे यहाँ पर मार्बल वर्क से बना हुआ है जिसको 22 इयर्स बिल्ड होने में लगा। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मोर देन पर्शियन ज़्यादातर है, इंडियन से ज़्यादा वो पर्शियन स्टाइल का है, स्क्वायर शेप में बिल्ड हुआ है, हाई प्लेटफॉर्म पर, देन द सेंट्रल डोम इज बल्बियस एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ डोम्स आर स्मॉल क्योस्क, फोर कॉर्नर्स की यहाँ पर बात किया गया है, वन ऑफ द फोर कॉर्नर्स जहाँ पर आपके जो स्लिम जो मिनरेट्स है वो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड हुए हैं, द वॉल आर कर्व्ड विथ प्रोफ्यूज पित्र दूरा, इनले जो वर्क है वो किया गया है, द ताजमहल के जो सेंटर टेम्पल है वहाँ पर जो सनलाइट्स है वो कंटिन्यू पड़ता है जब सन जो है राइज होता है और उसका जो स्क्रीन है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। सो ये आपके सिक्स के आंसर। देन एक्सप्लेन वाई शाहजहाँ इज अ कंसिडर एन आउटस्टैंडिंग बिल्डर, शाहजहाँ के नोट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सो उससे रिलेटेड मुगल आर्किटेक्चर इट्स पीक ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहाँ, डोम्स उनके द्वारा जो बिल्ड किया गया वो पर्शियन डोम्स के तरह थे, उसने जो रेड सैंड स्टोन को रिप्लेस करते हुए वाइट जो मार्बल है उनका यूज किया गया, देन जो डेकोरेशन वर्क है वो उनके द्वारा किया गया, पॉपुलाइज द यूज ऑफ पित्रेदूरा शाहजहाँ के द्वारा उसको पॉपुलाइज किया गया, देन उनके द्वारा जो मैनी जो बिल्डिंग जो आगरा फोर्ट द ताजमहल मोती मस्जिद आगरा है, शाहजहानाबाद या फिर रेड फोर्ट है वो बिल्ड किया गया, जामा मस्जिद है वो बिल्ड किया गया जो दिल्ली में, देन शीश महल और ख्वाब घर है वो लाहौर में बिल्ड किया गया। तो ये जो शाहजहाँ के जो आउटस्टैंडिंग बिल्डर्स के रूप में इसको जाना जाता है उससे रिलेटेड पॉइंट। देन लार्ज जो पॉइंट आता है कि ही आल्सो अंडरटूक द बिल्डिंग ऑफ सेवरल कैनाल्स एंड द गार्डन, तो कैनाल्स और गार्डन्स है ये भी बिल्ड किए गए। तो ये सेवंथ के आंसर। नेक्स्ट जो आपको मिलता है बेटा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, बेसिकली मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा कम से कम एक बार इस वीडियो को आप प्ले जरूर कीजिए, आपके लिए अगर ये वीडियोज हेल्पफुल है तो आप मेरे हेल्प के लिए भी इस वीडियो को एक बार जरूर प्ले कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच पाए। सो मेरे हेल्प के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर प्ले कीजिएगा अगर आपका हेल्प हो रहा है तो। सो आंसर इसका बी एंड डी, यहाँ पर देयर कुड बी मोर देन वन करेक्ट आंसर लिखा हुआ है ना, सो बी एंड डी इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे। देन सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको मिलता है द डिस्टिंग्विश्ड जो फीचर्स है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर वेयर का, यहाँ पर स्क्वायर जो गर्भ टावरिंग गोपुरामा ये नहीं आपका सिकरा टॉप अमल का, ये तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज अ राइट आंसर। देन थर्ड्स की हम बात करें, सो विच ऑफ दिस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेक्कन स्टाइल, तो इसका जो एग्जाम्पल आपका महादेवा टेम्पल, बृद्धेश्वरा टेम्पल, द्वार समुद्र टेम्पल या फिर विथला टेम्पल्स की बात करें तो मेन जो इसका राइट आंसर है द्वार समुद्र जो टेम्पल आपका हलेबीद में है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि हम बात करें बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल रॉक कट आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, सो द सोर जो टेम्पल्स है वो मामलापुरम, कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम, बृद्धेश्वरा टेम्पल्स, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा द रथास एट मामलापुरम, यही जो कैलाशनाथ जो टेम्पल्स आपका जो एलोरा का होता तो ये जो रॉक कट एग्जाम्पल में आ जाता, बट यहाँ पर कांचीपुरम दिया है जो स्ट्रक्चुरल जो टेम्पल्स है उसका एग्जाम्पल है ना। सो यहाँ पर जो आपका जो रथास ऑफ एट मामलापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो मॉस्क्यूज है उससे रिलेटेड जो इमाम जो है क्या कहते हैं प्रेयर करते हैं, तो द मिम्बार, द मेहराब या फिर द मीनार,
तो यहाँ पर मेम्बार जो है राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिलेगा द अलाई दरवाजा है नियर द कुतुब मीनार वॉज बिल्ड, किनके द्वारा बिल्ड किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खलजी। तो राइट आंसर डी अलाउद्दीन खलजी। 7 नंबर का एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवेंशियल आर्किटेक्चर इज मिडिवियल इंडिया इज द दक्षिण दाखिला दरवाजा, द गोल गुंबद, ये भी है आपका मांडू फोर्ट भी है, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको हुमायूं तंब वाज बिल्ड बाय किसके द्वारा बनाया था, तो उनके जो विडोज हैं उनके द्वारा। तो राइट आंसर इज सी, उनके जो विडोज हैं उनके द्वारा ये बिल्ड किया गया था, हिज विडोज। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ आर्किटेक्ट अकबर्स आर्किटेक्चर वाज, सो यहाँ पर द यूज ऑफ रेड सैंड विद मार्बल इनले, तो ये आपका जो वर्क है राइट आंसर हो। कॉलीग्राफी वो क्या है, कॉलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ इनले वर्क इन मार्बल, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, सो ये बी राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग, सो राइट आंसर इज बी। द 7 सिटी ऑफ दिल्ली वाज, सो तुगलकाबाद, शाहजहां पनाह, पुराना किला या फिर शाहजहानाबाद, तो राइट आंसर इज डी शाहजहानाबाद। तो यहां पर आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, लास्ट में आपको मिलता है वैल्यू दैट इन रिच क्वेश्चंस, ये आपको क्लास में डिस्कस करके नोट करना है, बट कुछ जो पॉइंट्स है मेरे द्वारा यहाँ पर नोट करवा दिए गए हैं इन केस यू हैव नीड राइट इट। सो ये बेटा आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपके वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।